बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज़ के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में, और एक बार फिर लाया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज़। तो चलिए कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पर कल के पुराने पोल की। तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई क्या आप भी अपने डेली लाइफ में या अप्रैल फूल डे के दिन कभी आप लोग अप्रैल फूल बने हैं? तो आप में से 70% लोगों ने कहा भाई हाँ भाई हम तो बने हैं, और 30% लोगों ने कहा भाई नहीं हम तो नहीं बने हैं क्योंकि हम तो दुनिया के सबसे बड़े शेर हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई जो मैं आप सभी लोगों को ये टेक न्यूज़ का वीडियो देता हूँ, तो यार आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जितना सारा होता है, थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो डालने का। जो मेरा एक्चुअल टाइम है रात 9 बजे का, तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो आपको कैसा फील होता है? गुस्सा आता है, दुख होता है, या आपको मजा आता है? आपका कैसा फील रहता है बताएगा अपनी राय यहाँ ऊपर दी गए पोल में, नीचे कमेंट्स में। और सारी बातों को मिलाकर दबा दो लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपडेट की, निकल कर आता है Xiaomi की तरफ से, और दोस्तों ये लेकर आए हम सभी लोगों के लिए। अगर आप एक गार्जियन हैं तो आपके बच्चों के लिए लेकर आए Xiaomi कंपनी ग्लास। एक ऐसा ये ग्लास है जिसकी मदद से ये ब्लू लाइट को फिल्टर करेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका बच्चा स्मार्टफोन चलाता है, टैबलेट यूज करता है, तो उसे जितनी सारी लाइटें निकलती हैं वो के बच्चों की आंखों पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। तो ये एक ऐसा ग्लास है कि आप अपने बच्चों को इसको दीजिए लगाने के लिए, उसके बाद आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन दे सकते हैं चलाने के लिए। काफी ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा बाद में। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस है मिनिमम मेरे अंदाज से 1000 रुपए के करीब। अगर लेना चाहते हैं तो भाई आप इसको ले लीजिए। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है Mi Fan Fest 2019 को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लेकर आया है Xiaomi कंपनी। अगर आप Xiaomi कंपनी के स्मार्टफोन लेना चाहते हैं कम डिस्काउंट में, यानी कि बहुत ही कम दामों में, तो आप ले लीजिए। और ये शुरू होने जा रहा है 4 अप्रैल को, जहाँ पर आपको Xiaomi कंपनी की तरफ से मिनिमम डिस्काउंट मिलने जा रहा है कि आप अपना जितना मनपसंद आपका जो भी स्मार्टफोन है भर भर के आप अपना स्मार्टफोन ले लीजिए, क्योंकि आपको 4 अप्रैल के बाद से काफ़ी अच्छे अच्छे कम दामों में स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे Xiaomi कंपनी के। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की, निकल करता है गूगल कैमरा वर्जन 6.2 को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लेकर है कुछ नए नए ऑप्शन गूगल कैमरा की गूगल पिक्सल में, जहाँ पर आपको मिलने जा रहा है कुछ नए नए ऑप्शन, जिसमें से सबसे पहला है मेजर मोड का ऑप्शन, दूसरा आपको मिलने जा रहा है टाइम लैप्स का ऑप्शन, जिसको इस नाम को चेंज कर दिया गया है, और इन्होंने इस नाम को चेंज करके चीता रख दिया है। तो प्यार काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात होती है चीता। उसके बाद दूसरा अगला ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिया है सेटिंग में आपको डार्क मोड का ऑप्शन। तो काफ़ी अच्छी बात है यार कि अगर आप लोग, हालांकि मैं तो यूज नहीं करता हूँ गूगल पिक्सल का स्मार्टफोन, अगर आप लोग इसको यूज करते हैं आपको ये अपडेट कैसा लगा बताएगा अपनी पूरी राय, अपना पूरा कमेंट, अपनी पूरी कहानी नीचे कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है व्हाट्सएप की तरफ से। और दोस्तों व्हाट्सएप पर आ गया है वही पुरानी वाली कहानी जो कि मैंने आपको अपने पिछले वाले टेक न्यूज़ में बताया है, डार्क मोड का ऑप्शन फाइनली आ चुका है। और अगला इन्होंने एक अपडेट लेकर आया है फॉरवर्ड का, कि अगर आपको आपके अपने खुद के व्हाट्सएप अकाउंट पर कोई भी बंदा अगर आपको मैसेज भेजता है तो आप वहां से उस चीज़ को देख सकते हैं कि ये मैसेज कितनी बार फॉरवर्ड किया गया है। हालांकि आप थोड़ा सा यहां पर सब्र रखिए और अच्छे अच्छे अपडेट का यहां पर मजा लीजिए व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं यहां पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है पबजी को लेकर। और दोस्तों पबजी पर आया है 0.12.0 का अपडेट, जिसमें आपको पबजी की तरफ से, भाई मैं तो नहीं जानता इसमें क्या क्या अपडेट आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं तो पबजी गेम खेलता ही नहीं हूँ। अगर आप लोग खेलते हैं आपको कैसा नया नया अपडेट देखने को मिला, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अपडेट आया है, अगर आपको यूज करते हैं, अगर खेलते हैं, अगर आप एक पबजी लवर हैं तो आप अपना बताएगा पूरी राय यहाँ पूरी नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में। हालांकि यार मैं तो गेम खेलता नहीं हूँ। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट अपडेट की, निकल कर आता है Huawei की तरफ से। और दोस्तों Huawei पर आया है Huawei की P30 Pro स्मार्टफोन पर अपडेट, जिसमें आपको भाई वही पुरानी रीति रिवाज, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं इस स्मार्टफोन को यूज नहीं करता हूं, अपडेट भाई आया है। अगर आप इस अपडेट को यूज करना चाहते हैं तो यूज कर लीजिए, अगर आप Huawei का P30 Pro स्मार्टफोन यूज करते हैं। और इसमें आपको क्या नई नई देखने को चीज मिलती है बताएगा अपनी राय यहां पूरी नीचे कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि यार काफी ज्यादा सुनकर मुझे हैरानी भी हो रही है कि ये जो Huawei का P30 Pro स्मार्टफोन है हाल ही में Huawei ने लॉन्च किया था, तो इतनी जल्दी अपडेट आ गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, देखते हैं कि इसमें आपको क्या नई नई चीजें देखने को मिलती है। तो दोस्तों बस यार आज की इस वीडियो में यही इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही इतना ही।